नमस्ते, मैं शिल्पा जायसवाल आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नींबू और गार्लिक की टिप्स। नींबू को हम किस तरह अच्छे से फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, इसे हम 1 महीने तक इसी तरह फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो ये नींबू देख सकते हैं मैंने स्टोर करके रखा है, इसे 15 से 20 दिन हो गया है इस नींबू को स्टोर किए, फिर भी एकदम देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्रेश है। और ये नींबू, कटे हुए नींबू, ये भी एकदम फ्रेश है। और इसी तरह हमारे नींबू फ्रिज में भी कुछ दिनों बाद हो जाते हैं एकदम सूखे और काले काले से। तो मैं आपको बताऊंगी आज नींबू हम किस तरीके से अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और गार्लिक भी हमें हमेशा पेस्ट ही नहीं लगती, कई बार हमें उसे अक्खा ही यूज़ करना होता है कटिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए या हम तड़के के लिए। तो इसे भी हम किस तरह अच्छे से स्टोर कर सके ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलो हम चलते हैं, किस तरह स्टोर करें आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये नींबू भी फ्रिज में ही स्टोर करे थे, पर ये नींबू फिर भी काले और सूखे हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि नींबू किस तरह अच्छे से स्टोर करें। जिस तरह हम नींबू स्टोर करते हैं उसी तरह हम एप्पल भी सेव करके रख सकते हैं। और ये मैंने 15 से 20 दिन हो गए फ्रिज में रखे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश नींबू दिख रहे हैं और फ्रेश भी है। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं तेल और घी, तेल लहसुन के लिए और घी नींबू के लिए। तो सबसे पहले नींबू को हम अच्छे से धो के पोंछ लेंगे, इसे अच्छे से धो ले और अच्छे से सूखा कर ले। फिर हम इस पे घी लगाएंगे एकदम नाम को, हाथ पे थोड़ा सा ले लेंगे उंगलियों पे और वही घी सब नींबू पे हम रगड़ देंगे, इससे अच्छे से कोटिंग हो जाएंगी घी की। इस तरह हम पूरे नींबू पे घी अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसे हम एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देंगे। इस तरह अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अब हम लेंगे लहसुन, लहसुन में हम तेल यूज करेंगे। जिसी तरह हमने नींबू को कोटिंग किया है घी का, उसी तरह हम लहसुन को करेंगे तेल का। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, एकदम जरा सा तेल लगेगा हमें। और इसे भी हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे तेल से। और इसे भी हम एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देंगे। इस तरह हम नींबू और लहसुन स्टोर करके रख सकते हैं। एप्पल भी हम नींबू की तरह स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। ये टिप्स आप ज़रूर आजमाइए, और आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।